सो गाइस चलिए आज हम मिलियन ट्रैकर डैशबोर्ड कैसे एडिट किया जाता है ए टू जेड यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पिक्सल ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जो भी नए बंदे हैं उनको कहाँ से मिलेगा फोटोज वगैरह, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आ जाना, वहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे कर लेना है, उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है गाइस, फ्रॉम गैलरी पर जाना है। फ्रॉम गैलरी पर जाने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और देखेंगे कि जो हमारा डैशबोर्ड है उसको कैसे एडिट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना डैशबोर्ड ले लेंगे, तो अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले लीजिएगा, और इसको यहाँ बीच पे क्लिक करके क्रॉप पे जा करके यहाँ से मतलब ऐसे करके क्रॉप कर लीजिएगा, ठीक है। इतना इतना क्रॉप कर लेने के बाद फिर से फ्रॉम गैलरी में जाना है, उसके बाद दूसरा हमको डैशबोर्ड लाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक मैम का डैशबोर्ड यूज करने वाले हैं यहाँ से, तो फिर से हमको सेम साइज़ यहाँ पर इतना डैशबोर्ड इनका कट कर लेना है। उसके बाद इसको हमको यहाँ पर ले जाना है, इसको यहाँ पर ले जाना है, उसके बाद दोनों को हमको मतलब मर्ज कर देना है, जैसे कि हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा इधर उधर शायद लग रहा है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आप लोग। अगर नहीं होता है एडजस्ट तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है ना क्रॉप करके, ये थोड़ा हल्का, ये हल्का इधर, हल्का इधर, इधर क्रॉप कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर एकदम सटीक सटीक बैठने वाला है। तो गाइस ये रहा कुछ एडिट करने के बाद का रिजल्ट, देखो कितना अच्छी तरीके से हमें मतलब यहाँ पर इसको ऐड कर दिया है, देख लो आप, चिन्ह नहीं रहा है कि ये हमारा है कि उनका है। तो इस तरीके से आप उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज पर जाकर के डिफॉल्ट पर जाकर के अल्ट्रा पर करके सेव टू गैलरी कर लोगे, तो इस तरीके से आराम से आप डैशबोर्ड एडिट कर सकते हो।